असलकम आज हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का तेरवा लेक्चर है आपको याद होगा हमने एरेज की डिस्कशन शुरू की हुई है आज हम एरेज़ को लेके कुछ आगे चलेंगे और टू डायमेंशनल एरेज को मैनिपुलेट करने की बात करेंगे और फिर हम एक अपना एक प्रॉब्लम ले लेंगे एक लेट्स ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और उसको सारे स्टेप्स में से गुजारेंगे जिसके बारे में हमने डिज़ाइन रेसिपी में बात की थी यानी एनालाइज करेंगे उसके फंक्शंस बनाएंगे सब कुछ करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है ये एरेज के साथ ही रिलेटेड होगा चलें सबसे पहले हम कुछ एरे मैनिपुलेशन की बात करते हैं एरेज की जहाँ पे बात आती है तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जी ये एरे है क्या चीज़ एरेज के अंदर हम एक ही किस्म का डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं यानी वी ट्राई टू स्टोर आइडेंटिकल और सिमिलर वैल्यूज़ इन एन एरे ना नाबिनवे से आइडेंटिकल और सिमिलर वॉट डू वी मीन इसका कॉन्टेक्स्ट के साथ ताल्लुक़ है यानी प्रॉब्लम कौन सा है जिसको हम हल कर रहे हैं अब देखें हाइट जो है किसी इंडिविजुअल की वो भी एक नंबर है और एज जो है वो भी एक नंबर है हम ये कभी नहीं करते कि हाइट और एज जो है वो एक ही एरे के अंदर रख लें क्योंकि कॉन्टेक्चुअली दे आर डिफरेंट थिंग्स सो हम ये ज़रूर करेंगे कि जी एक एरे जो है उसमें हम कई लोगों की हाइट स्टोर कर लें और कोई और एरे ले लें जिसके अंदर उसके अंदर एज स्टोर कर लें लेकिन एक ही एरे में हम मिक्स नहीं करते सो द आइडिया बिहड एरेज इज़न यू हैव सिमिलर डेटा दैट यू वॉन्ट टू प्रोसेस एंड दे आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ दैट डेटा इट्स ईजियर एंड मोर एलिगेंट टू स्टोर दैम इन एन एरे लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि जी एरे प्रोसेसिंग हम किस तरह से करते हैं क्या इशूज़ आते हैं और सबसे आसान तरीका उसका क्या है पिछली दफ़ा भी हमने एग्जांपल्स में थोड़ा सा मेंशन किया था जब भी एरेज आती हैं हमारे सामने तो हम लूप्स के बारे में सोचने लग पड़ते हैं कि जी एक नंबर उठाया उसके साथ कुछ किया फिर दूसरा नंबर उठाया कुछ किया फिर तीसरा उठाया कुछ किया एंड नेचुरली दैट फॉल्स इन एन इटरेटिव स्ट्रक्चर सो वी आर लूपिंग थ्रू सर्टन सेट ऑफ डेटा एरेज की क्योंकि इंडेक्सिंग हम करते हैं तो इंडेक्स जो है वो याद होगा कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर एरेज जीरो इंडेक्स से शुरू होती हैं दे गो अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू जब भी हमने लूप्स की बात की थी तो हम कहते थे फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन समथिंग आई प्लस प्लस और समथिंग लाइक दैट वाइल के अंदर भी हम यूजली करते थे आई इंक्रीमेंट कर देते थे कहीं पर जाके लूप में इट फॉल्स वेरी नेचुरली इंटू द कॉन्सेप्ट टेक द फर्स्ट एलिमेंट सो ज़ीरो हो गया कुछ किया नेक्स्ट एलिमेंट पे गए वन हो गया सो यू नोटिस द लूप काउंटर इज एक्चुअली रनिंग सो वेन एवर वी आर प्रोसेसिंग एरेज वी आर नेचुरली लुकिंग एट लूप्स एंड प्रोसेसिंग एरेज यूजिंग लूप्स नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ डू वी प्रोसेस अ टू डायमेंशनल एरे एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं हम कहते हैं जी हमारे पास एक एरे है नंबर्स की टू डायमेंशनल एरे जब भी मैं टू डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स की बात करूं, यू शुड थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देख याद होगी आपको मैथ से कि जी इट्स एन एरे ऑफ नंबर विद रोज एंड कॉलम्स और हर रो कॉलम इंटरसेक्शन पे एक नंबर पड़ा होता है सपोज़ मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ कि जी आपके पास एक टू डायमेंशनल एरे है लेट्स से उसका साइज़ थ्री बाई थ्री है फॉर द मोमेंट सिंपल सी एरे उसमें कुछ नंबर मौजूद हैं हमने पहले उसको इनपुट करना है और इनपुट मेमरी में ले जा के फिर हम उसको आउटपुट करना चाहते हैं लेकिन हम आउटपुट करना चाहते हैं उसको कि जी आखिरी रो सबसे पहले प्रिंट हो फिर सेकेंड लास्ट रो एंड सो ऑन जब तक हम फर्स्ट रो सबसे नीचे नहीं प्रिंट कर लेते लेकिन इसके अंदर हम चाहेंगे कि कॉलम ऑर्डर जो है वो वही रहे यानी द आउटपुट वुड बी लास्ट रो फर्स्ट कॉलम देन लास्ट रो सेकेंड कॉलम लास्ट रो थर्ड कॉलम थ्री बाय थ्री अरे है फिर सेकेंड वाली रो जो है वो वही रहेगी जो पहले थी यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम और अखीर पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो लास्ट कॉलम हाउ डू वी गो अबाउट इट आई थिंक इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉर्वर्ड प्रॉब्लम थिंक अबाउट प्रोसेसिंग इट्स अ टू डायमेंशनल अरे सो देर इज अ रो सब्स्क्रिप्ट एंड देर इज अ कॉलम सब्सक्रिप्ट आपको याद होगा कि हम एड्रेसिंग कैसे करते हैं एरे एलिमेंट्स की हम करते हैं कि जी अगर एरे का नाम ए है तो हम कहते हैं ए स्क्वेयर ब्रैकेट रो इंडेक्स स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज K square bracket cola column index, square bracket closed. That is a single element of the array. So if we look at the code that corresponds to flipping a matrix over. Pehli row niche niche wali It looks something like this. We say, let's say, we baaki cheeze nahi batata as usual ke There is an integer which will step through the number of rows. Let's call it row. देर इज एन इंटिजर दैट विल स्टेप थ्रू द नंबर ऑफ कॉलम्स वी विल कॉल इट कॉल सी ओ एल इसके साथ विद गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमने अपनी एरे को डायमेंशन किया हुआ है कि जी मैक्स रोज एकवल टू थ्री ये कॉन्स्टेंट इंटिजर ऊपर डिफाइन किया फिर हमने कहा कॉन्स्टेंट इंटिजर मैक्स कॉल्स इक्वल टू थ्री इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एरे डिक्लेयर की लेट्स ए इंट ए ऑफ मैक्स कॉल्स मैक्स रोज एंड देन मैक्स कॉल्स उसके बाद हमने इसको इनपुट करना है तो इनपुट भी वही डबल नेस्टेड लूप के साथ होगी सो इफ़ वी हैव वही जो इंटीज़र वेरिएबल्स हमने रो एंड कॉलम के लिए, लिए लिखे हुए हैं उनके साथ हम फॉर लूप लगा लेते हैं सो वी से फॉर रो इक्वल टू ज़ीरो रिमेंबर एरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर ज़ीरो सो वी से फॉर रो इक्वल टू ज़ीरो रो लेस दैन मैक्स रोज इंक्रीमेंट रो मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ सी में इट विल बी रो प्लस प्लस इसके बाद हमने ओपनिंग ब्रेस दी और फिर अंदर वाली लूप शुरू की जो कॉलम्स को प्रोसेस करेगी इसको हम लिखेंगे फॉर कॉल इक्वल टू जीरो कॉल लेस देन मैक्स कॉल्स कॉल प्लस प्लस फिर ओपनिंग okay. ब्रेस आ गई इनर फॉर लूप की ओपनिंग ब्रेस ठीक है ना आई प्रेफर कि जी मैं फॉर ब्लॉक को ना ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज कर दूँ इवन इफ द ब्लॉक कॉन्टें ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है इट्स अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल बट मुझे ब्लॉक्स बड़े क्लियरली नज़र आ जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पर हमने मेट्रिक्स इनपुट करनी है तो हम सी इन इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बी पोलाइट वी कैन इवन गिव अ प्रॉम्प सेंग प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट नंबर और आगे रो और कॉल की वैल्यूज दे देते हैं सो so, फिर सी इन के साथ हम कहेंगे सी इन ग्रेटर दैन ए ऑफ रो कॉल और देखें वो लिखते कैसे हैं ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो फिर अलीहदा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉल इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि वन एवर वी यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरेज इन सी या सी प्लस प्लस द इंडक्स आर नॉट रिटर्न एज रो कॉमा कॉल आमतौर पर मैथ में हम ना रो कॉमा कॉल लिख देते होते हैं और लैंग्वेजेस में भी इस तरह से लिखा जाता है लेकिन सी के अंदर अलीहदा से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पहला इंडेक्स आता है फिर अलीहदा अपने पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दूसरा इंडेक्स आता है एंड सो ऑन मोस्ट सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर्स विल सपोर्ट अप टू टायमेंशनल एरेज सो काफ़ी लंबी चौड़ी आप एरे बना सकते हैं लेकिन वो सोचना पड़ता है कि जी बारह डायमेंशन में पूरा क्या चीज़ आएगी एनी anyway, वे अब सी इन करके हमने मेट्रिक्स इनपुट कर ली एक एक एलिमेंट पढ़ के अब अगर इनको देखें हमारा जो नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर है कर क्या रहा है करता है सबसे पहले एक रो लेता है जैसे रो इक्वल टू ज़ीरो उसके बाद साथ ही हम अंदर वाली लूप शुरू कर देते हैं वो कहता है रीड कॉलम नंबर ज़ीरो फिर कॉलम नंबर वन फिर कॉलम नंबर टू मैम भाई इन दिस केस मैक्स रोज मैक्स कॉल्स की वैल्यू हम टू रखी होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी थ्री इन दिस केस वही बात के जी सी की इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होती है जब हमने एक पूरी रो पढ़ ली सो ज़ीरो वन ज़ीरो टू तो अंदर वाली लूप खत्म हो जाती है अंदर वाली लूप खत्म होती है तो आप वापस ऊपर वाली लूप पे आते हैं जो कहता है रो प्लस प्लस सो रो बिकम्स वन ज़ीरो थी जीरो प्लस वन इज़ इक्ल टू वन फिर आप अंदर वाली लूप में दाखिल हो जाते हैं एंड यू गो एंड रीड कॉलम नंबर ज़ीरो कॉलम वन कॉलम टू इन अ वे यू आर रीडिंग रो टू यानी द इंडेक्स इज़ वन बट इट्स रो नंबर टू उसका पहला कॉलम दूसरा कॉलम फिर तीसरे कॉलम की वैल्यूज आप पढ़ रहे हैं वो एरे में स्टोर करते जा रहे हैं और फिर अंदर वाली लूप खत्म हुई तो बाहर आए तो इट इज़ नाउ द थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम की वैल्यू पढ़ी फिर सेकेंड की पड़ी और थर्ड की पड़ी इनपुट हो गई मेट्रिक्स अब इसको हम चाहते हैं कि जी फ्लिप करके डिस्प्ले किया जाए कैसे करेंगे हम इसके कई तरीके हैं एक तो आप सोचने लग पड़े होंगे जी इस मैट्रिक्स को उल्टाना कैसे है ताकि ए के अंदर वो रोज़ इंटरचेंज हो जाएँ या हम कोई नई मैट्रिक्स डिफाइन करें जिसके अंदर ये पूरी टू डी एरे की वैल्यूज़ कॉपी कर लें लेकिन कॉपी करते हुए उनको उल्टा लें लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि जी प्रॉब्लम हमने क्या स्टेट किया है हमने प्रॉब्लम सिंपली कहा है कि जी एक इनपुट करके मैट्रिक्स को उसको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स रो ऑर्डर के अंदर आपने डिस्प्ले करना है सो आई एम नॉट सेइंग कि जी मैट्रिक्स को इन द कंप्यूटर्स मेमोरी कुछ भी करें कह रहा हूँ सिंपली डिस्प्लेट विद द लास्ट रो फर्स्ट सो वट ड वी डू लोग किसी किताब में किसी सहीफे में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि जी फॉर लूप जो है वो हमेशा ज़ीरो से ही शुरू होगी और किसी बड़े नंबर तक जाएगी और लूप काउंटर जो है वो इनक्रीमेंट ही होता रहेगा क्यों ना हम कोई ऐसी लूप रन कर दें जो कहे कि जी आखिरी रो से शुरू करो और पहली रो तक जाओ और रो काउंटर को डेक्रीमेंट करते जाओ कैन वी डू दैट ऑफकोर्स वी कैन डू दैट देर इज नथिंग इन द रूल दैट अलाउज अस दैट डज नॉट अलाउ अस और प्रोहिबिट्स अस फ्राम गोइंग बैकवर्ड्स इन अ लूप सो वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग ट्रेक सिर्फ इसमें ख्याल क्या रखना है कि जी इंडेक्स की वैल्यूज़ क्या हैं हमने कहा कि जी साइज़ मैक्स रोज जो है वह टू रखा ता हुआ ताकि ये जीरो से ले कर टू तक प्रोसेस करे या अगर आप मैक्स रोज थ्री रख लेते हैं इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर मैक्स रोज आपने इस्तेमाल किया फॉर डिक्लेयरिंग द एरे सो मैक्स रोज की वैल्यू वुड हैव बीन थ्री इफ यू कम बैक एंड नाउ यूज़ इट एज अ लूप काउंटर यू कैन ओनली गो अप टू मैक्स रोज माइनस वन दैट इज़ द लास्ट रो अकॉर्डिंग टू सी इंडेक्सिंग रूल्स सो हाउ डू वी डू इट सिंपल वही वाला नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर एक बाहर लूप एक अंदर लूप लेकिन बाहर वाली रूप जो लूप जो है जो रोज़ को काउंट कर रही है वो आखिरी रो से शुरू हो आखिरी रो का इंडेक्स है मैक्स रोज माइनस वन उसके बाद पहली रो का इंडेक्स है जीरो सो वी फॉर रो इक्वल टू मैक्स रोज माइनस वन सेमीकोलन रो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी आप बड़ी वैल्यू से चल के आप छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं ठीक है सो आई एम जस्ट कि ज़ीरो ऊपर है बड़ी वैल्यू नीचे है तो आप इस तरफ को जा रहे हैं सो द सेकेंड टेस्ट जो है लूप टेस्ट दैट इज फॉर रो ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो बिकॉज द फर्स्ट रो इज इंडेक्स जीरो और अब रो काउंटर को करना क्या है रो माइनस माइनस लेकिन एक्जैक्टली जिस तरह से रो प्लस प्लस हमने किया था जिसका मतलब है रो इज़ इक्वल टू रो प्लस वन वेर रो इज एन इंटिजा वेरिएबल अब हम लिख रहे हैं रो माइनस माइनस ये है डेक्रीमेंट ऑपरेटर गुड शॉर्ट हैंड इट मीन्स रो इज़ इक्वल टू रो माइनस वन सो अब अगर सिर्फ इस लूप को चलाएं तो इट व रन टू वन ज़ीरो इस तरह से चलेगी ये फॉर लूप आ गई जो कि रोज़ को हैंडल करेगी इसके अंदर हमने ब्रेसेस डाल के सेकेंड नेस्टेड लूप चलाई वो है फॉर कॉल इक्वल टू ज़ीरो कॉल लेस दैन मैक्स कॉल्स कॉल प्लस प्लस यहाँ पर लूप का ऑर्डर वही रखा क्योंकि वॉट वी सेंग इज़ थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो थर्ड एलिमेंट ये सबसे पहले प्रिंट होगा अब अगर इसको हाथ से भी अब चला के देख लें तो यू विल फाइंड कि जी पहले थर्ड रो प्रिंट होगी फिर सेकेंड होगी फिर फर्स्ट होगी सो वी हैव सक्सेसफुली फ्लिप्ड अ रो एज फार एज आउटपुट और फ्लिप्ड मेट्रिक एज फार एज़ आउटपुट इज कंसर्न अगेन बिकॉज वी डिफाइंड द कॉन्सटेंट इंटिजर मैक्स रोज एंड मैक्स कॉल्स अपट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें टू रन इट विद लार्जर मेट्रिस ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉन्सटेंस एट द टॉप द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिमेन्स द सेम आप अपने लिए प्रोग्राम लिखें और इसको चला के देखें कि जी मैंने ऑर्डर इसमें इनपुट किया और आउटपुट में यह हमें ऑर्डर मिला टू बी इवन नाइसर वट यू शुड डू इज़ फर्स्ट प्रिंट द मेट्रिक्स आउट ठीक है ना सी आउट करके आप मेट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट आउट कर लें एज स्टोर्ड इन द मेमरी और फिर ये रिवर्सल आउटपुट करें जिसमें आखिरी रो ऊपर आए फिर उससे आखिरी आए एट्सेट्रा टिल यू कम टू द फर्स्ट रो एंड यू विल बी एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन दैट यस योर प्रोग्राम वर्क द रोज व रिवर्सड नाउ हाउ डू यू आउटपुट अ अट्रिक्स क्लीनली ताकि नज़र आए थोड़ी सी नीट फॉर्मेटिंग हुई हो फॉर्मेटिंग एक्चुअल फॉर्मेटिंग हम बाद में बात करेंगे जब हम आए हो स्ट्रीम्स वगैरह के ऊपर आएंगे फॉर द मोमेंट इट्स एनफ टू रिमेंबर कि जी एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया हुआ है बैक स्लैश टी बैक स्लैश टी कैरेक्टर जो है वो टैब जितनी स्पेस देता है बीच में सो इफ़ यू वर टू डू समथिंग लाइक कि जी वही डबल नेस्टेड लूप इस्तेमाल करें जो इनपुट के लिए की है वही आउटपुट के लिए चलती है वही लूप लेकिन सी इन की जगह पे सी आउट आ गया सो आउटसाइड द लूप्स यू कुड सी आउट समथिंग लाइक द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज़ आप लूप के अंदर आप कहते हैं सी आउट लेस देन लेस देन ए ऑफ रो कॉल सेमिकोलन इतना कर देंगे तो सारे नंबर साथ साथ जुड़े हुए एक लाइन पे आ जाएंगे हम चाहते हैं हर नंबर के बाद कुछ स्पेस छोड़ी जाए तो आप चाहते हैं कहते ये हैं कि जी सी आउट लेस तेन लेस दैन ए ऑफ रो कॉल फिर लेस दैन लेस दैन सिंगल कोटेशन मार्क्स में आप लिख दें बैक स्लैश टी ये क्या करेगा कि एक नंबर आउटपुट करेगा और साथ ही एक स्पेस आउटपुट कर देगा सो एक जगह छूट देंगे आप नंबर्स के दरमियान जब एक रो खत्म हो जाती है अब क्या करें क्योंकि अनलेस वी डू समथिंग ये आगे को दूसरी रो लिखना शुरू हो जाएगा सो व्हाट वी डू इज जब इनर लूप खत्म होती है तो जब आउटर लूप पे आते हैं आउटर लूप गोज़ टू द नेक्स्ट रो बिफोर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट रो वी से समथिंग लाइक सी आउट लेस दैन लेस दैन सिंगल कोट के अंदर बैक स्लैश एन आई ऑलरेडी मैंशन अर्लियर इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन द अर्ली लेक्चर्स कि जी बैक स्लैश एन जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि न्यू लाइन पे चला जाता है वो कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाता है सो दैट मीन्स पहली रो आउटपुट हो गई नई लाइन पे गए दूसरी रो आउटपुट हो गई नई लाइन पे गए तीसरी रो आउटपुट हो गई सो लुक एट द लॉजिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड बी अवेयर दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेन एवर यू मैनिपुलेटिंग ए प्लेटिंग वन डायमेंशनल लरे एक लूप टू डायमेंशनल डायमेंशन अ नेस्टेड पेयर ऑफ लूप्स थ्री डायमेंशनल लरे थर्ड लेवल ऑफ नेस्टेड लूप ठीक है ना उसकी प्रोसेसिंग आम तौर पे इस तरह से हो रही होती है देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं था कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं अभी हमने हल किया लेकिन एक सिंपल सी चीज़ प्रोसेसिंग ऑफ एरेज की बात की चलें अपने तौर पे आप ये एक्सरसाइज करें कि जी वही मेट्रिक्स इनपुट करके उसको रिवर्स कॉलम ऑर्डर में प्रिंट करें यानी अब रोज़ वही रहेंगी लेकिन कॉलम्स आपस में रिवर्स हो जाएंगे सो आखिरी कॉलम पहले प्रिंट हो फिर सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन टिल यू प्रिंट द फर्स्ट कॉलम एट द एंड सो गिव इट अ ट्राई नॉट वेरी डिफिकल्ट बट रिमेंबर के वही लूप पीछे को चलाएंगे तो आसानी से ये काम हो जाएगा लेट्स मूव ऑन टू अ स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक जो मेट्रिस के साथ हमें एक कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि जी मेट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए मैथ्स वाले कहेंगे ओ oh, हमें तो आता है बाकियों के लिए मैं एक्सप्लेन करता चलो मैथ्स वाले भी सुन लें कि जी मेट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है कि उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए यानी फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम इन द ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम इन द ट्रांसपोज मैट्रिक्स थर्ड रो बिकम्स द थर्ड कॉलम एंड सो ऑन टिल वी आर डन फॉर आर पर्पजेज इस वक्त हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम स्क्र मेट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं सो so, जितनी उसकी रोज़ हैं उतने ही उसके कॉलम्स होंगे सो so वन uh, कह लें कि जी मैक्स रोज इज़ इनफ या उसको एरे साइज़ कह लें वॉट एवर बिकॉज जितने रोज हैं उतने ही एरे साइज़ अगर रोज़ हैं एरे साइज़ उसके कॉलम्स होंगे सो हाउ डू वी ट्रांसपोज एन एरे अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखें तो यू विल से जी इसकी डेफिनेशन ये है कि जी नई रो कॉलम जगह के ऊपर पुराना कॉलम रो वाली वैल्यू लिख दी जाए सो इट इज़ लाइक ए ऑफ आई जे शुड बी रिप्लेसड विद ए ऑफ जे आई विद आई एंड जे आई एम यूजिंग एज रो एंड कॉलम इंडेक्स सो हाउ डू यू सजेस्ट वी डू दिस आई एम श्योर एवरी बॉडी इज थिंकिंग नाव कि जी नेस्टेड लुक्स एब्सोलूटली राइट नेस्टेड लुक्स सो लेट से आर एरे इज ए उसकी जो डायमेंशन है वो अरेज साइज़ है तो हम एक नेस्टेड लुक का पेयर लिखते हैं कि फॉर रो इक्वल टू तो जीरो रो लेस दैन एरे साइज रो प्लस प्लस ब्रेसेस डालें अंदर वाली लूप पे आ जाएं फॉर कॉलम इक्वल टू ज़ीरो कॉलम लेस देन एरे साइज कॉलम प्लस प्लस फिर उसके अंदर आ जाएं और अब इंटरचेंज करते जाएं पहली चीज इंटरचेंज करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ता है कैन वी सिंपल कैन वी सिंपली से ऑफ रो कॉल इक्वल्स एफ कॉल रो नो वी कैन याद होगा जब भी दो मेमोरी लोकेशंस को आपस में आप शॉप करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए आपको एक तीसरी जगह चाहिए होती है पहले एक चीज़ की वैल्यू अलहदर रख दी जाए फिर उसमें नई वैल्यू डाली जाए और जो जहाँ से वो वैल्यू आई थी उसमें वो स्पेस जो अपने एलोकेट करके जगह वहाँ पर वैल्यू स्टोर की हुई थी उसको पुरानी जगह पर लिख दिया जाए सो यू हैव टू रन अ लिटल शॉप मेकनिज़म सो लेट्स यूज़ अ टेम्प्ररी वेरिएबल कॉल इट टेम्प ठीक है ना आई नॉर्मली पोर्टेंट टी एम पी और समथिंग लाइक दैट एंड यू कैन से टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे या ए ऑफ रो कॉल नेक्स्ट लाइन ए ऑफ रो कॉल इक्वल्स ए ऑफ कॉल रो सो ये ओवर हो जाएगा इट्स एन असाइनमेंट इसी वास्ते हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो टेम्प में सेव कर रखी है और आखिरी स्वाप की लाइन आ जाएगी ए ऑफ कॉल रो इक्वल्स टेम्प अब रो और कॉलम की वैल्यू इधर की कॉलम रो की वैल्यू यहाँ पे रखी और जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको कॉल रो वाले इंडेक्स पे रख दिया नेस्टेड लूप खत्म स्वॉपिंग खत्म प्रॉब्लम सॉल्व इज इट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू एक्चुअली रन इट योर एंड यू कन्विंस योर दैट यू हैव अ प्रॉब्लम डू यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज किसी ने देखा द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इन दिस प्रोसेसिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स हम कर रहे हैं हम कहते हैं कि जी पहले एलिमेंट जो पहला रो पहले कॉलम पे एलिमेंट बैठा हुआ उसको अपने साथ कर दो कुछ नहीं होगा उसकी वैल्यू बाहर जाएगी उसकी वैल्यू अंदर आ जाएगी वो वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी विच इज़ ऑल राइट ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं रोज़ इन कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो डायगनल एलिमेंट्स हैं सारे मेट्रिक्स के उनकी वैल्यूज़ अनचेंज रहेंगी because there the रो एंड कॉलम indexes आर the सेम सो ज़ीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे उसके बाद हमारी ये नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर से क्या होता है रो वन यानी पहली रो कहना चाहिए विच रो नंबर जीरो साल से पहली दूसरी रो वन का जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज़ नाउ इंटरचेंज विद कॉलम वन का सेकेंड एलिमेंट सो जो रो वन का सेकेंड एलिमेंट जो है वो रो टू के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटरचेंज होगा सो यू थिंक ऑफ इट रो एंड कॉलम सो पहले कॉलम का सेकेंड एलिमेंट जो है विच इज़ सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ वो इंटरचेंज हो जाता है जब आप उससे आगे जाते हैं तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरी रो के पहले एलिमेंट के साथ स्वाप हो जाता है एंड सो ऑन जब आप सेकेंड रो को प्रोसेस करते हैं उस पर क्या होगा सेकेंड रो का पहला एलिमेंट किसके साथ स्वॉप होगा सो बाई डेफिनेशन रो कॉल बिकम्स कॉल रो सो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट जो है वो पहली रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ स्वॉप हो जाएगा वेट अ मिनट वेट अ मिनट इज इन दिस द सेम एलिमेंट जो कि पहली लूप में एक दफा स्वॉप हो चुका है सो वॉट हैपन्स इज कि वो एलिमेंट्स जो एक दफ़ा स्वॉप हुए थे इफ़ यू रन बोथ लूप्स वो फिर वापस स्वॉप हो जाते हैं एंड इफ़ यू से ए सेट इन चेयर नंबर टू और बाद में कहते हैं प्लीज़ नाउ सेट इन चेयर नंबर वन तो ओरिजिनल मेट्रिक्स रिमेंस अनडिस्टर्बड सो वी हैव टू बी केयरफुल क्या किया जाए थिंक अबाउट इट ओके डज एनी बॉडी सी द सोल्यूशन मीन आई वुड हैिव दिस एज अ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज बट दैन दिस एक्सरसाइज इज सो ऑब्वियस जो थोड़ी देर के बाद लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर आइडिया यह है कि अगर आप स्क्वेयर मीट्रिक्स लें और कागज़ पर बेशक बना लें उसको अगर डायग्नली आप काटें तो उसके दो तिकोन हिस्से बन जाते हैं वी कॉल दिस द अपर ट्राइंगल एंड द लोअर ट्राइंगल वट एवर आपने सिर्फ एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के साथ इंटरचेंज करना है पूरी मैट्रिक्स को इंटरचेंज नहीं करना अदरवाइज़ वो दो दफ़ा इंटरचेंज हो जाती है और ओरिजिनल शक्ल इख्तियार कर लेती है सो so, अब क्वेश्चन ये है कि जी ये जो ट्रायंगल है इसकी लिमिट्स कैसे डिटरमिन हों सो so, आप कॉन्सेप्टुअली अगर ट्रायंगल बनाएं मैट्रिक्स का तो देखेंगे कि रोज़ तो सारी प्रोसेस हो रही हैं ठीक है, है ना पहली भी करनी है दूसरी भी करनी है क्योंकि ट्राइंगल हर रो के क्रॉस कर रहा है इसी तरह कॉलम भी सारे प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि पहला वो ट्रायंगल जो है वो कॉलम्स भी सारे जितनी चौड़ाई है वो ट्रायंगल कवर कर रहा है सिर्फ फ़र्क ये है कि हर रो को शुरू करते वक्त आप बिगिनिंग के एलिमेंट्स को प्रोसेस नहीं करेंगे आप रो की प्रोसेसिंग जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स से ले के रो के अखीर तक करेंगे वॉट डज इट मीन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मीनस दैट फॉर एवरी मतलब कॉलम लूप जो अंदर वाली लूप है

क्योंकि वो फिर रिवर्स हो जाएगा सो वट यू डू रो रो नंबर मतलब इंडेक्स नंबर वन कॉलम वन से शुरू करते हैं सो इट इज़ वन कामा वन अपिल वन कामा एरे साइज माइनस वन थर्ड रो में यू स्टार्ट वे पहला भी छोड़ दें दूसरा भी छोड़ दें टू कामा टू से शुरू करेंगे सो so एलिमेंट जिसकी रो कॉलम वैल्यू है टू कामा टू इन द इंडेक्स स्ट्रक्चर वो टू कामा टू से शुरू होकर टू कामा एरे साइज माइनस वन तक जाएगी इस तरह से अगर आप लूप स्ट्रक्चर करेंगे तो ये सिर्फ एक दफ़ा अपर ट्राइंगल प्रोसेस के वो लोअर ट्राइंगल में आ जाएगा और मेट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगी डू दिस योर सेल्फ एज एन एक्सरसाइज एंड मेक श्योर इट वर्कस डू इट विद द ब्रूट फोर्स कॉन्सेप्ट कि जी दो लूप्स लगानी और पूरा चलेंगी एंड देन डू इट विद दिस वन एज एन एक्सरसाइज ट्राई टू डू इट द अदर वे आप कहें कि जी नीचे वाले ट्राइंगल को ऊपर लेके जाना है कैसे करेंगे द प्रोसेस हेयर एज एज ऑब्वियस वुड भी कि हमेशा ज़ीरो से शुरू करें लेकिन कहीं पर जाके रुक जाएँ डायगनल वैल्यू पर जाके रुकनाएं रो के अखीर तक नहीं जाना एनी वे दीज आर एक्सरसाइजिज दैट यू कैन डू योर सेल्व प्लीज़ डू दैम सो दैट यू अंडरस्टेंड के मैनिपलेन कैसे हो रही है फॉर द रेस्ट ऑफ द लेक्चर वॉट वी विल डू इज वी विल टेक वन प्रॉब्लम इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट वी विल फॉलो इट थ्रू रिगरसली थ्रू ऑल द स्टेप्स दैट हमने बहुत शुरू में बात की थी एक डिज़ाइन रेसिपी की डिज़ाइन रेसिपी के सारे स्टेप्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को गुजारते हैं और फिर देखते हैं कि जी उसका हल क्या निकलता है ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या देखें जी हमारे दफ्तर में सारे लोग तनख्वाहें लेते हैं वी आर ऑल टैक्स पेयर्स वी आर वेरी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स समटाइम्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन डिवेलप्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जी एक शख्स है वो उसकी सैलरी लेट से कि जी दस हज़ार रुपये महीना है उसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एक सर्टन परसेंटेज इनकम टैक्स लगता है ठीक है ना हर महीने डिडक्ट होता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हो जाता है लेकिन अगर उसकी सैलरी दस हज़ार से ज़्यादा हो तो उसको किसी और रेट से टैक्स लगाया जाता है बीस हज़ार रुपये महीना से ज़्यादा सैलरी जो है और ज़्यादा हो कोई और रेट लगता है तो ये टैक्स स्लैब्स कहलाते हैं नहीं ये अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है बट इट्स अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई भी पेरोल प्रोसेस करना हो तो उसके अंदर आ सकता है इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बनती है कि अगर कभी टैक्स रेट्स के अंदर कोई अनोमली रह जाए यानी वो पूरी तरह से रैशनलाइज ना हो तो एक शख्स जो कि एक ख़ास लेवल की सैलरी रह ले रहा है तो उसकी डिडक्शन के बाद जो वो तनख्वाह घर लेके जाता है वो कई दफ़ा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एन एम्प्लॉय और अ कोलीग जिसकी एक्चुअल सैलरी कम थी उससे लेकिन उस पर कम टैक्स लगा सो so, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि जी सपोज़ एक कंपनी है जिसमें सौ या सौ से कम एम्प्लॉज़ हैं हमने कोई मैक्मम लिमिट रख ली है इन सब एम्प्लॉज़ की सैलरीज आपको बता दी गई हैं और साथ टैक्स रेट्स बता दिए गए हैं आप बताएँ कि वो कौन से ऐसे अनलकी इंडिविजुल्स हैं जो अपनी तनख्वाह जो घर लेके जाते हैं नेट so सैलरी वो कम लेके जाते हैं एज कंपेयर टू देयर कोलिग्स जिनकी एक्चुअल सैलरी कम है लेकिन क्योंकि टैक्स उनका कम डिडक्ट हुआ है तो वो घर ज़्यादा पैसे लेके जा रहे हैं दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नाउ एज पर आर डिज़ाइन रेसिपी लेट अस सी व्हाट स्टेप्स वी नीड टू फॉलो डिज़ाइन रेसिपी आपको याद होगा उसने कहा जी पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करें एनालाइज़ करके उसको किसी एक कॉन्साइज प्रिसाइस स्टेटमेंट में ना आप लिखें कि जी प्रॉब्लम है क्या और उसके बाद मे बी इस प्रिसाइस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हुए कुछ एग्जांपल्स भी साथ दे दें यानी एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस के बाद कोई एग्जांपल भी दे दें कि जनाब ये एग्जांपल है जो कि इलस्ट्रेट करता है ये प्रॉब्लम है क्या और इसके अंदर क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं वंस दिस फेज़ इज़ कम्प्लीट वी गो ऑन इन द डिज़ाइन फेज़ विच मीन्स वी डू सम समीटेल्ड डिज़ाइनिंग कि जी कौन से फंक्शन इसके बनते हैं या इसका सूडो कोड क्या है और उसको हम फिर वो वाली प्रिसाइस लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसके अंदर लिख देते हैं विच इज़ द एक्चुअल प्रोग्रामिंग उसके बाद इसको चलाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं आउटपुट को एंड मेक श्योर थिंग्स वर्क एज़ एक्सपेक्टेड सो वेन वी गो टू द फर्स्ट स्टेप विच इज़ अनिस ठीक है तो अब क्या करेंगे पहले तो है कि जी प्रिसाइस प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए उसके बाद वंस दैट स्टेटमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड वी ट्राई टू डिटर्मिन कि जिस प्रोग्राम की इनपुट्स क्या होंगी क्या डेटा इसको दिया जाएगा जो ये प्रोसेस करे जब इनपुट्स डिटर्मिन हो गई साथ इसके हम डिटर्मिन करेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कोई कॉन्सटेंट्स तो नहीं है जो कि इस कैलकुलेशन के लिए चाहिए या इस मैनिपुलेशन के लिए चाहिए जो कॉन्सटेंट्स हैं उनको भी डिटर्मिन करके हम लिस्ट कर देते हैं उसके बाद हम उसको स्प्लिट अप करते हैं इन टू फंक्शन एंड मॉड्यूल्स एट्सट्रा सो आइए पहले इस प्रॉब्लम की कोई प्रिसाइस या कन्साइस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें द प्रिसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन टैक्स ब्रैकेट्स एंड गिवन एम्प्लॉज ग्रोथ सैलरीज डिटर्मिन दोज एम्प्लॉयज़ हु एक्चुअली गेट लेस टेक होम सैलरी देन अदर्स विद लोअर इनिशियल इनकम अब ये इसकी एक प्रिसाइज स्टेटमेंट आ गई प्रॉब्लम की लेकिन इसके साथ कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो अच्छा है सपोज़ हमारे पास जो लॉ है इस वक्त टैक्स डिडक्शन का वो कहता है कि जी ज़ीरो से ले कर फाइव थाउजेंड तक जिसकी सैलरी है उसका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा ज़ीरो परसेंट रेट पर चलेगा जिनकी सैलरी पाँच हज़ार एक रुपये से ले कर दस हज़ार रुपये तक है उनके ऊपर फाइव परसेंट इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा जिनकी सैलरीज दस हज़ार एक रुपए से ले कर बीस हज़ार रुपये तक हैं उनके ऊपर दस फ़ीसद इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एंड लेट्स से वन मोर स्लैब कि जी जिनकी सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड एंड वन रुपी एंड अप होंगी उनके ऊपर पंद्रह फ़ीसद जो है इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा इन रूल्स को लेके लेट अस फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम जिससे हमें नज़र आए कि जी मसला है क्या देखें अगर किसी की सैलरी दस हज़ार रुपये महीना है तो एज़ पर आर रूल्स उसके ऊपर फाइव परसेंट टैक्स लगेगा फाइव परसेंट ऑफ़ टेन थाउजेंड इज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ डिडक्ट किए तो वो घर नौ हज़ार पाँच सौ रुपया लेके जा रहा है अब वो अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल जिसकी सैलरी दस हज़ार और एक रुपया है वो तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया नेक्स्ट ब्रैकेट में आया तो हमने एज़ पर द रूल इट कि जी दस परसेंट इनकम टैक्स डिडक्ट होगा वो एक रुपये को छोड़ भी दें तो दस फ़ीसद जो है ऑफ टेन थाउजेंड विल बी वन थाउजेंड रुपीज़ सो उसका टैक्स एक्चुअली एक हज़ार और कुछ पैसे डिडक्ट होगा दैट मीन्स उसकी टेक होम सैलरी जो है वो नौ हज़ार के लगभग रह जाती है सो हेयर इज़ अ वर्कड आउट एग्जाम्पल सेंग लुक इफ द सैलरी इज़ टेन थाउजेंड द टेक होम सैलरी इज़ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट इफ़ द ग्रोथ सैलरी जो है वो टेन थाउजेंड एंड वन रुपी है दैन द टेक होम सैलरी इज़ आलमोस्ट नाइन थाउजेंड इंटरेस्टिंग ग्रोथ सैलरी ज़्यादा थी सेकेंड इंडिविजुअल की लेकिन टेक होम पाँच सौ रुपये कम हो गई है ये हमारा प्रॉब्लम है और हम करना क्या चाहते हैं कि जी उस कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पहले तो सैलरीज कैलकुलेट करें कि जी ग्रोथ तो हमने दे दी नेट सैलरी क्या बनती है वंस दैट कैलकुलेशन हैज़ बीन डन वी वॉन्ट टू डिटर्मिन के ऐसे अनलकी इंडिविजुअल्स कौन लोग हैं सो दैट इज़ द प्रिसाइस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलॉन्ग विद एंड लेट्स एन एग्जाम्पल

अच्छा प्रॉब्लम के अंदर ये भी शामिल कर लें कि ये टू डायमेंशनल एरेज़ और वन डायमेंशनल एरेज इस्तेमाल होंगी फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वो तो हमने आपको बताया सो so, 100 एम्प्लॉयज़ अगर हैं या उससे कम हैं तो हमें एरे का साइज़ तो पता चल गया कि जी कितनी बड़ी एरेज रखी जाएंगी लेकिन आज जिस कंपनी को हम एनालाइज करने जा रहे हैं हमें ये नहीं पता कि जी उसके आज एम्प्लॉयज़ हैं कितने सो इट मेक सेंस कि यूज़र से इनपुट ले ली जाए कि जी 45 फाइव एम्प्लॉइज़ का डेटा आ रहा है या 35 फाइव एम्प्लॉयज़ का आ रहा है या 73 थ्री एम्प्लॉज़ का डेटा आ रहा है सो कम अज़ कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनपुट होगा वंस वी हैव डिटर्म द नंबर ऑफ एम्प्लॉज़ देन फॉर ईच एम्प्लॉयी वी शैल इनपुट द ग्रोथ सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय सो ग्रोथ सैलरी इनपुट होगी उसके स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए हम कहते हैं कि जी इसको स्टोर हम करेंगे एक टू डायमेंशनल एरे में जिसमें पहले कॉलम में उसकी ग्रोथ सैलरी आ जाएगी और दूसरे कॉलम के अंदर हमारा प्रोग्राम जो है कंप्यूट करेगा कि जी टैक्स डिडक्श करने के बाद इसकी नेट सैलरी क्या बनती है वो हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे ये तो एक सैलरी कंप्यूटेशन हो जाएगी उसके बाद तीसरा हिस्सा ये आता है कि जी अब जरा अनलकी इंडिविजुअल्स को लोकेट किया जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अनालिस और एलग्रिदम वाला हिस्सा आता है कि जनाब इसको लोकेट करना कैसे है उसको लोकेट करने के लिए हम मोटी मोटी बात करते हैं ऑलराइट right, कोई तरीका होगा ये अभी मैं हायर लेवल डिज़ाइन की बात कर कोई तरीका है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि जी इंडिविजुअल ए की सैलरी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड टू बी लेकिन उसका टेक होम जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बी हम कहते हैं कहीं पर भी अगर ऐसा जोड़ा निकल आया तो वो पहले वाला एम्प्लॉई ए जो है वो ही इज़ वन ऑफ द अनलकी इंडिविजुअल्स और अखीर पे हम क्या करना चाहेंगे हम इसको आउटपुट करना चाहेंगे अ लिस्ट ऑफ़ दोज अनलकी एम्प्लॉयीज़ इन दिस केस फॉर आर सिंपल प्रॉब्लम वी विल सिंपली आउटपुट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉ नंबर्स के जी पहला एम्प्लॉई अनलकी है पाँचवा अनलकी है सातवा अनलकी है और बारहवा अनलकी और वट एवर द रिज़ल्ट कम्स आउट टू बी अगर हम इसी प्रॉब्लम की स्पेस या स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को वर्कआउट करें तो मैंने कहा कि जी एक तो टू डायमेंशनल एरे हो जाएगी जिसमें ग्रोथ और नेट सैलरी रख लेंगे लेकिन हमने एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉज़ अनलकी एम्प्लॉज़ भी आउटपुट करनी है दैट मीन्स कि हमें लिस्ट को स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे हम एक वन डायमेंशनल एरे रख लेंगे से इंटीजर की उस एरे के अंदर हम करेंगे ये कि जी पहले सारे ज़ीरोज़ लिख देंगे और ज़ीरो का मतलब होगा ये लकी हैं इनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है तो ज़्यादा ही घर लेके जाते हैं और जहाँ पे हमें कोई ऐसा एम्प्लॉ मिला इन द टू डायमेंशनल एरे जिसकी टेक होम सैलरी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सम समर एम्प्लॉई लोअर ग्रोथ सैलरी उस जगह पे हम इस वन डायमेंशनल एरे में वन लिखते जाएंगे सो ये एक किस्म का झंडा है इट्स अ फ्लैग सेइंग सेंगे द ज़ीरो एम्प्लॉज़ आर लकी बाय डिफॉल्ट ऑल आर लकी व्हेन यू कम टू एन अनोमलस सिचुएशन वहाँ पे आप वन लिख दिया सो वी नो के जी एम्प्लॉय नंबर फोर्टी के आगे वन लिखा हुआ तो एम्प्लॉई नंबर 43 जो है ना ही इज़ एन अनलकी इंडिविजुअल इसकी सैलरी कम है तो ये इसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट हो गई प्रोग्राम की उसके बाद हम इंटरफेस इश्यूज की बात कर लेते हैं तो इंटरफेस गाइडलाइंस वही हैं बी पोलाइट ट्राई टू एक्सप्लेन वॉट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द यूज़र ताकि प्रोग्राम जब चले थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दे कि जनाब ये आपसे चाहिए ये डेटा इनपुट करें सो दे विल बी प्रॉम्प्ट्स इन देयर यू विल अपटेन द डेटा एंड देन सो इनपुट सारी हम कहेंगे कीबोर्ड से आ रही है और इसके साथ हम कहेंगे जी आउटपुट जो है वो हम स्क्रीन पे चाहिए सो एक किस्म का एक रूडिमेंट्री इंटरफेस एनालिसिस हो गया अब क्या करें अब देखें कि प्रोग्राम को हमने तकरीबन मोटा मोटा तीन चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक इनपुट है एक सैलरी कैलकुलेशन है एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनलकी इंडिविजुअल्स है और एक आउटपुट है सो लेट्स गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कोड और द डिटेल डिजाइन ऑफ दिस प्रोग्राम इंट्रू ट्रेडिशन ये जो मैंने चार या पाँच बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको बताए हैं दिस शुड बी फंक्शन कॉल्स सो द मेन प्रोग्राम शुड बी वेरी वेरी सिंपल कि मेन के अंदर हो गेट इनपुट ठीक है ना कैलकुलेट सैलरी लोकेट अनलकी इंडिविजल्स डिस्प्ले आउटपुट बात ख़त्म एरेज जो हैं वह हमने डिक्लेयर करनी है मेन के अंदर हमने पहले बता दिया कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉज़ सौ है तो इसको तो कॉन्स्ट करके आप डिक्लेयर कर दें ताकि रे किसी नाम के साथ डिक्लेयर हो सकें सो इसी से कि जी जो एरे साइज़ जो है वो कॉन्स्ट इंट एरे साइज़ इक्वल टू हंड्रेड है तो जो टू डायमेंशनल एरे है जिसमें सैलरी स्टोर होंगी उसकी डिक्लेरेशन जो है वो हो जाएगी इंट ए पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे एरे साइज बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ रोज इट बेसिकली डिपेक्ट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉज इन द कंपनी एंड द सेकेंड डायमेंशन ऑफ दिस एरे विल बी सिंपली टू दो कॉलम्स की एरे बन रही है पहले में ग्रोथ सैलरी आएगी दूसरे के अंदर नेट सैलरी आएगी इस एरे को कुछ नाम दे दें लेट्स ए सेल इस एरे को हम कुछ भी नाम दे दें लेट्स कॉल इट लकी लकी एरे के बारे में हमने ये कहा था कि जी इसको हम इनिशलाइज़ करेंगे टू ऑल ज़ीरोज़ और जो अनलकी इंडिविजुअल होगा उसमें इसकी वैल्यू वन कर देंगे सो लेट्स से इसकी डेक्लरेशन जो है वुड बी इंट लकी ब्रैकेट्स में अरेसाइज मैक्म्स वॉट एवर इट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस के अंदर ज़ीरो एक ज़ीरो लिख दें कर्ली ब्रेसिस क्लोज सेमिकोलन दैट इज़ द एरे इनिशलाइजर पिछली दफ़ा भी बात की थी थोड़ा सा टच किया था कि जी एरेज़ को इनिशलाइज़ किया जा सकता है इस तरीके से सो इन दिस केस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लकी एरे विल बी सेट टू ज़ीरो वंस दिस हैज़ बिन डन ये मेन के अंदर वी हैव टू गो एंड से कि जी इनपुट डेटा फंक्शन जो है ना उसको चला लिया जाए वहाँ पर इनकी सैलरीज पढ़ ली जाए अब इनपुट डेटा के अंदर हम वैल्यू पढ़ेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की देखें अपर लिमिट तो हमने रख दी सौ तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो इनपुट करेगा यूज़र की से अगर वो फंक्शन के अंदर इनपुट करा लिया तो क्या प्रॉब्लम क्या आएगा वेल एक्चुअली इनपुट कराने में प्रॉब्लम नहीं है डेक्लेशन में प्रॉब्लम है डेक्लेशन में प्रॉब्लम ये है अगर तो नम एम्प दैट वेरिएबल दैट स्टोर्स द करेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट वी वॉन्ट टू प्रोसेस इफ़ दैट नम एम्प इज़ डिक्लेयरड इनसाइड द इनपुट फंक्शन वॉट विल हैपन इज़ इट विल बी लोकल टू दैट फंक्शन जब आप प्रोसेस करके वापस मेन के अंदर आएँगे तो नम एम्प्स ना होगा ना उसकी वैल्यू पता होगी सो बेहतर ये है कि जी नम एम्प्स जो है वो मेन में डिक्लेयर किया जाए भाई प्रॉब्लम भी आ जाता है अगर मेन में डिक्लेर किया जाए तो वो इनपुट फंक्शन को कैसे पता चलेगा तो इनपुट फंक्शन में नम एम्प्स को भेजना पड़ेगा इधर थ्रू अ कॉल बाय रेफरेंस या नम एम्प्स को ग्लोबल बना दें ताकि जितने हमारे पास फंक्शंस uh, हैं उनके अंदर ये वेरिएबल अवेलेबल हो ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब दे आर यूजफुल बट दे आर आल्सो ट्रिकी जिसे कहते हैं ना कि जी दे एग्जिस्ट व्हेन वी नीड देम बट दे आल्सो एग्जिस्ट व्हेन वी डोंट नीड देम सो मे बी इट इज़ बेटर कि हम नम एम्प जो है इंटिजर वेरिएबल विच इज़ गोइंग टू कंटेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुलरीज़ वी वॉन्ट टू एनालाइज़ दिस इज़ डर इन द मेन फंक्शन एंड देन पास बाय रेफरेंस इन टू द इनपुट डेटा फंक्शन सो इनपुट डेटा फंक्शन को जो चीज़ हम पास करेंगे वो एक तो होगी रे सेल जिसकी दो डायमेंशन जिसमें डेटा हमने पढ़ना है सो यू वुड हैव समिंग लाइक फंक्शन जो है गेट इनपुट सो वी सैट इनपुट इंट सेल स्क्र ब्रैकेट अब दो स्क्र ब्रैकेट डालें इनपुट के लिए क्या करें फंक्शन कॉल के अंदर यहाँ पे एक और रूल का आपको पता होना लाजमी है जब भी हम वन डायमेंशनल एरे पास करते हैं फ़ंक्शन को तो उस फंक्शन की प्रोटोटाइप में हम लिख देते हैं समथिंग लाइक एफ और फिर परन्थिस के अंदर हम दे देते हैं इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स ये उस फंक्शन को बता देता है कि जनाब एक एरे आ रही है और साथ हम यूजुअली पास करते हैं एरे का साइज़ ताकि वो एरे प्रोसेस हो सके जब आप टू डायमेंशनल एरे पास करते हैं तो देर इज़ अ सटल प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि रिसीविंग फंक्शन को ये नहीं पता कि जनाब इस एरे के कॉलम्स कितने हैं ठीक है सो इट डज नॉट नो वेयर वन रो एंड एंड द नेक्स्ट रो बिगिन बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू कैन लीव द रो स्क्वेयर ब्रैकेट्स एम्प्टी इन द फंक्शन कॉल जो कि रिसीविंग फंक्शन का प्रोटोटाइप है बट यू मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट एरे उसकी वजह यह सोचें ज़रा कि कंप्यूटर जो है वो मेमरी के अंदर एक टू डायमेंशनल एरे को स्टोर कैसे करता है इट मे स्टोर एक पूरी रो और फिर नेक्स्ट रो और फिर नेक्स्ट रो एंड सो ऑन मेमरी तो एक कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ लोकेशन है न सो so, अगर ये पता करना हो कि जी पहली रो जहाँ ख़त्म हुई है तो दूसरी रो शुरू कहाँ से हुई है यू हैव टू नो कि जी पहली रो में कॉलम्स कितने थे दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो सो वेन एवर वी आर पासिंग अ टू डायमेंशनल एरे फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर यू मस्ट स्पेसिफाई द कॉलम साइज विच मीन्स द लास्ट जो सब्सक्रिप्ट है उसकी वैल्यू देना लाजमी है पहले वाले की देना लाजमी नहीं है सो इन दिस केस वी विल बी पासिंग सेल

is easier rather than manipulating pointers so let's say ke, before we do the get input function call we will get the number of employees in the main function and then go to the get input function get input me humne karna kya har employee ke liye uski gross salary jo hai wo input hai. gross salary is simply done with a one dimensional loop yani a single loop so for i equal to 0 आई लेस दैन नम एम्प्स अब नम एम्प्स कौन सा है मेन में गेट किया और यहाँ बाई वैल्यू पास कर दिया एंड देन आई इंक्रीमेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई वी से सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन सेल पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कह दिया आई और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ज़ीरो ये भी देखें हम कर क्या रहे हैं व्हाट वी डूइंग इज फॉर एवरी एम्प्लॉई वी आर गेटिंग हिज और हर ग्रोथ सैलरी बाय डेफिनेशन हमने कहा है कि ये ग्रोथ सैलरी जो है हम पहले कॉलम में स्टोर करेंगे पहले कॉलम का इंडेक्स है ज़ीरो सो so हमें एक लूप चाहिए जो कि इस टू डी एरे में से गुजरे और हर रो पे रुकते हुए उसके पहले कॉलम के अंदर ग्रोथ सैलरी की वैल्यू लिखी जाए ये एरे विल बी ऑफ वट जो हमने मेन में डिक्लेयर की है प्रॉब्ली डबल रख लेते हैं क्योंकि अभी टैक्स कैलकुलेट करना है तो डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी गेट इनपुट फंक्शन नाउ बिकम्स अ वेरी सिंपल फंक्शन we say it is has passed the two dimensional array with the second array subscript specified it has also passed the number of employees inside the get input function we run a simple loop and we get the first column of this array which represents gross salary end of input next statement you next step you have calculate tax ki ek function declare kareenge, tax calculation karega. तो टैक्स कैलकुलेशन जो करेगा उसको भी एक्जैक्टली exactly यही दो चीज़ें पास करनी हैं द सेल एरे एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और वो अपने पास टैक्स कैलकुलेशन कर ले यहाँ पे ज़रा सा रुक जाएं। देखें हम एरे पास कर रहे हैं और साथ नम एम्प्स पास कर रहे हैं तो एरे आई वॉन्ट टू री एट्रेट बाई डिफ़ॉल्ट इट इज़ पासड बाई रेफरेंस विच मीन्स अगर गेट इनपुट फंक्शन ने एरे सेल के अंदर कोई वैल्यूज डाली तो वो सेल एरे के अंदर लिखी ही गई और वो मेन फंक्शन में भी अवेलेबल और मेन फिर उस एरे को कहीं और पास कर दे वो हो सकता है काम नम एम्प्स ऑन द अदर हैंड इज़ पास बाय वैल्यू एज़ पर सी रूल्स और अगर वो पास बाय वैल्यू किया तो गेट इनपुट ने अगर नम एम्प्स को चेंज कर भी दिया जो इस प्रॉब्लम में उसको हरगिज़ नहीं करना चाहिए आपने तो सिर्फ उसको लूप टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करना है अगर उसने नम एम्प्स की वैल्यू बदल भी दी तो मेन प्रोग्राम के अंदर नम एम्प्स की वैल्यू हरगिज़ नहीं बदलेगी और वो ओरिजिनल वैल्यू पे बैठा रहेगा और फिर बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा आगे चलेगा क्योंकि इसके अंदर हम एल्गोरिदम भी डिटरमिन करना चाहते हैं कि जी वॉट इज़ दैट प्रिसाइस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि हमें डिटरमिन करने दे कि जी कौन सा अनलकी एम्प्लॉ है उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस की और ज़रूरत है क्योंकि उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इफ़ कंडीशन आती है लेकिन कैलकुलेट सैलरी जो है नेट सैलरी निकालनी है उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं आई थिंक दैट वी शुड कवर देम नेक्स्ट टाइम आपके पास हैंड में ये पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है इसके फ्लो चार्ट भी दिए हुए हैं वट आई सजेस्ट इज कि आप उसको अच्छी तरह देखें पढ़ें और समझें एंड आई विल एस कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो ये प्रॉब्लम अच्छी तरह पढ़ के आए होंगे दोज ऑफ यू हु आर मोर एंटरप्राइजिंग वुड हैव रिटन द प्रोग्राम And actually run it. Please try to do this. Try to stay ahead of the lectures. Alright? That will make life easier for you, and that will also show us that you know you are working hard. Koi problem, koi question ho, you can email. Hai? Cs201 at Vu.edu.pk. Discussion board ke upar, You are very free and feel free to discuss any problems like this. Matlab, it is nice to get other people's input, especially what transpose walab and एक और प्रॉब्लम चलिए आपको चलते चलते देता जाऊँ मेट्रिक्स के हवाले से कि जी अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल उसमें एक ख़ास मैट्रिक्स होती है उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे वन हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं सपोज यू आर गिवन अ स्क्र मेट्रिक्स ऑफ साइज़ एन बाई एन राइट प्रोग्राम Determine if this is an identity matrix. Okay? That would be a good exercise for this time, and we will continue with this problem in the next lecture. Khuda hafiz.